आर्ट थोड़ा थोड़ा तो मुझे पसंद था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इसके अंदर जाऊँगा। तो टीचर ने थोड़ा अच्छे से गाइड किया कि तुम अच्छे से करते हो। तो मेरी मम्मी भी एक आर्टिस्ट हैं, वो कैनवस पे पेंट करती हैं और वो सिंगल मदर हैं और उन्होंने दो मेरे और मेरे भाई को बिल्कुल अकेले अपने आप बस आर्ट से ही पाला है। एंड देयर आर लाइक फ्यू आर्टिस्ट स्पेशली इंडियन आर्टिस्ट हु फॉर देम वाज द फर्स्ट टाइम टू पेंट अ वॉल, बट व्हाट लाइक गॉट मी रियली स्टिम्युलेटेड एंड एंथुसियास्ट वाज लाइक ऑन द वन हैंड द रिएक्शन ऑफ द पीपल इन किर्क एक्सटेंशन, दे वर लाइक आई मीन beyond engaged by what all was happening all around them. When I was in high school, there was a sort of street art blog and was displaying movements and rhythms of street art and muralism from all over the world. So that essentially is what inspired me. For me, graffiti was like in a different way to come out perspective with a different identity, which is free from my real identity. And when you speak anonymous, then your voice is free. Essentially, I had the experience of working on a large scale, and also have. My brain has been expanded by having access to other people who are capable of working at large scale. कई सारे reasons की वजह से कि height पे मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है गिर जाऊँगा, चक्कर आ रहे हैं, काम नहीं कर सकता वो सब, और मैं वहाँ पर easily काम कर लेता था, तो तब ये थोड़ा एक important मिलने लगी और मैं काम भी करने लगा, क्योंकि ये बाहर के काम जो है हर कोई, जब आप बड़ी एक दीवार पे पेंट करते हो तो उसको ड्राइंग करके कंपोज करना, मतलब उसको कंप्लीट करना एक चैलेंज हो जाता है। I wanted to do some graffiti, but I wasn't dialed into any culture that was actively pursuing that lifestyle. तो मुझे लगता है कि वैसे इंडिया में बहुत सारे जो स्ट्रीट आर्ट, मगर अगर आप मंदिरों में देखो नहीं तो घरों में देखो, जैसे राजस्थान के घर हैं, गुजरात के घर हैं, वहाँ तो बहुत वॉल्स पे पेंटिंग हमेशा होती है। तो वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे लगा कि इतने सारे जो स्टाइल्स हैं इंडिया में उन सबको अडॉप्ट करना चाहिए और उसको भी पब्लिक आर्ट बनाना चाहिए, सिर्फ मंदिरों और घरों में नहीं मगर पूरे दीवारों पर करना चाहिए तो सब उसे देख सकें। सो this actually brings back my own memories of my own mother and my own homeland. What would my mother or people of her generation would like to contribute to this city, I mean, which is all our cities are actually becoming more and more concrete, yeah. Jungle, no, with less space for, with less tolerance towards the ecological balance. So it's a kind of comment on the degradations, these details are being mummified, or no, they're becoming part of museum products or gallery products. Como es una alegoría de la libertad, de la enseñanza del amor y de la, y una alegoría igual de la diversidad de culturas que conviven en tanto en India como en el lugar donde yo vivo. Graffiti is a culture. It's not just one thing. It's just not like what you see on the wall, but it's a culture which has been grown over the years. There are graffiti writers. The graffiti guys are called writers, and they're not artists. And it's, they don't want to be artists. They want to be known as artists. So it's not just about painting walls, but it was like from the beginning to actually communicate with people in such a way to have, I mean, like trigger another vision of a city. हाँ, एक दिन मैं कराची में पेंट कर रही थी जब एक पूरा फैक्ट्री में एक बड़ा सा गाड़ी आया और उसमें से 12 कुछ रेंजर्स निकले पूरी गन के साथ उन्होंने मुझे सर्कल कर दिया बिल्कुल, और मैं एक मिनट के लिए डर गई, मैं पीछे देखी तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है वैसे, और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमने सुना है कि आप इंडियन आर्टिस्ट हैं तो हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। तो ये बहुत अच्छी एक कहानी थी कि ये कुछ डरने की कुछ भी चीज़ नहीं है हमें, क्योंकि बहुत ही प्यार है, जहाँ भी जाओ बहुत ही प्यार है। फ्रॉम दिस नेक्स्ट स्ट्रीट महाचंद मार्केट, वन लेडी कॉल्ड दीपाली, सो नाइस दैट इट्स हैपनिंग हियर, देन एट द एंड शी सेड कैन आई ऑफर यू सम कॉफी बिकॉज यू आर वर्किंग सो हार्ड, इट्स यू आर ब्यूटिफाइंग आवर लोकेलिटी। मैं कोशिश करता हूँ कि खूबसूरत चीज़ बनाऊँ,
लोग देख के खुश हों। जैसे आर्टिस्ट तो कुछ भी बना सकता है, जो अब सोचता है वो उसको, तो मैं, मेरी यही चीज़ ज़्यादा रहती है कि लोगों को खुश करने की कोशिश करो अपने आर्ट के अंदर दिखा के। एंड इज लाइक एन इंटरेक्शन विद द सिटी एंड इज द सेम थिंग फॉर एन आर्टिस्ट। आई मीन दे गो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दे स्पेंड लाइक a lot of energies and a lot of like, you know, passion and their entire like expression and skill set and emotions by realizing a wall, and then they abandon this wall. So this wall is for the community. The stage needs to be set, and slowly the stage is getting ready, and there are more and more people who's coming on street and experimenting with it, so which is great. And I think in few years we'll have some rock stars from India.